हमने हमारे नाम हमारी पहचान सब खो दी, ऐसे ही बावड़े हो रखे। अब अयोध्या जी का नाम, अयोध्या जिले का भी क्या नाम था, मैं गया था तब मैंने बोला था एक बार वहां बड़ी सभा में, मैंने कहा भाई वक्त आने दो ये फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या होगा। ये भाई हो भाई, नाम तो अपने रखो बावड़ो। अब प्रयागराज, प्रयागराज जो युगों युगों से गंगा बह रही है भाई, और वो त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, वहां से अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद को फिर अलाहाबाद, अलाहाबाद को इलाहाबाद, अब वहां अल्लाह इल्ला पल्ला नुल्ला टुल्ला, इसका क्या लेना देना। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे हो। अब यह बालक जो है जो रेंगता था अब वो दौड़ता है, अब ये कोई पाखंड नहीं है, जो से टीवी चैनल वाले किसी अपना मत पंथ संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, लोगों का धर्मांतरण करने के लिए, कन्वर्जन के लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं, ऐसे खड़ा करेंगे और अचानक वो ऐसे आएंगे और इधर दौड़ के आना सामने तक, इसको माइक दे दो उसको, हरिओम जी को। हाँ अब देखो ये दौड़ रहा है, पहले खिसकता था, पहले कैसे रेंगता था, ए थोड़ा पहले चल के बता, ये 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 और वो कमर भी तो झुका, पूरा एक्टिंग कर भूल गया ये लो अब दंड बैठक लगाता है, कर कर आराम से कर, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, और चीजें पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, अपने बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो आपकी फैमिलियां परेशान है, जो बंधन नहीं टूट रहा टूटेगा आज, मत शर्माओ, अपने हाथों को हिलाओ, यहां यीशु आया हुआ है, चंगाई मिल रही आज आपको, छुटकारे मिल रहे आज आपको, अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा राजा रबा सना यो रे 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 और इसी समय यहोवा की आग आपको जला रही है। मैं कह रहा हूँ उस जादू टोने को जला रही है जिसको पथरियां रसोली है। मैं कह रहा हूँ अभी कोई सर्वाइकल वाला ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में, कैंसर बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, कैंसर बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, शुगर बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ, जोर से शुगर बाहर, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, शाबाश, शुगर बाहर। ओम स्वामी जी, स्वामी जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, और यहाँ पे जितने निरामयम में जितने पर लोग काम करते हैं जिन्होंने सब कुछ किया सर, स्वामी जी उन सब के लिए बहुत बहुत आभार। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैं जब आया था आपको ने देखा था, सोराइसिस अर्थराइटिस था मेरे को। हाँ, सोराइटिक अर्थराइटिस बड़ा खतरनाक होता है, सोराइसिस और प्लस अर्थराइटिस उसको बोलते हैं, सोराइटिक अर्थराइटिस। सोराइटिक हार्ट डिजीज भी होती है, हार्ट पर भी उसका अटैक होता है, हड्डियों पर भी होता है बहुत। तो फिर क्या है बेटा? स्वामी जी पहले तो एक कदम भी नहीं चल पाता था, आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और पिछले एक हफ्ते से मैं पहली बार, कम से कम 5 साल में पहली बार नीचे बैठ के मैं योगा और कुछ कर पा रहा हूँ। ये उन लोगों के, ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियाँ साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियाँ, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए एक नौजवान बच्चियों को, अद बड़े लोगों के साथ जिनके 10-10 बच्चे उनके साथ शादी करते हुए। अब सोराइटिक अर्थराइटिस, सोराइसिस ठीक कर लिया, अर्थराइटिस ठीक कर लिया, अब जो 5-10% बचा है बस घर पे फॉलो करना। स्वामी जी बिल्कुल करता रहूंगा, पूरे परिवार की तरफ से सब लोग, माता पिता वगैरह सब ने आपको बहुत बहुत आभार दिया है सब। क्या करते हो बेटा? मैं नेवी में हूँ, नेवी में था, अभी पिछले 4-5 साल से नहीं जा पा रहा था। 2011 में ये मेरे को डायग्नोस हुआ था, बट बहुत कम लेवल पे था मेरा।
लेकिन अभी इतना सीवियर हो गया था कि वो देखा था, फिर मैं जा नहीं पा रहा तो था। तो तुम ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं स्वामी जी, पिछले 4-5 साल से मैं नहीं जा तो पाया। अब जा करके ड्यूटी ज्वाइन कर ले। जी हाँ स्वामी जी। चलो अब हमारा योद्धा तैयार हो गया नेवी में जाने के लिए। जी हाँ स्वामी जी। नेवी में था बालक, 90 किलो से आज मेरा 68 किलो वजन है। 90 किलो था जो आया था तब? जी हाँ स्वामी जी, पहले 90 किलो से आज 68, 22 किलो कम हुआ। मैं भी नहीं पहचान रहा इसको तो। जी स्वामी, ये रोज देखता हूँ ना इसको तो, धीरे धीरे कम हुआ, पता ही नहीं लगा कब कम हो गया। 22 किलो वजन कम हो गया। सोराइसिस अच्छा कर लिया, अर्थराइटिस अच्छा कर लिया, सोराटिक अर्थराइटिस, और बीपी शुगर तो कुछ नहीं था? नहीं नहीं स्वामी जी, कोई और दूसरी बीमारी। नींद आ जाती थी? सब सब ठीक, बाकी सब सही था, सब एकदम डाइजेशन आ गया। जितने आपके योगाचार्य स्वामी जी, इन लोगों ने जो एक्यूप्रेशर वगैरह किया, मेरे को पता है कि स्वामी जी जब मैं हाथ 1-1.5 साल से ऐसे ही रहता था, इन लोगों ने हफ्ते 10 दिन में हाथ ऐसे भी नहीं होता था? नहीं नहीं स्वामी जी, मैं हाथ ऊपर करके जो आपकी योगा है वो नहीं कर पाता था। अब करना ऊपर हाथ? अभी तो ऐसे मैं अभी तो पता ही नहीं कि मार भी सकता हूँ। अभी ये उत्पल भैया वगैरह हैं, इन लोगों ने मेरा किया तो मैं बता नहीं सकता अभी इस समय मैं क्या फील कर रहा हूँ। क्या नाम बताया बेटा? राहुल गुप्ता। राहुल के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया, इसने बड़ा काम करके दिखाया है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। जो 2 कदम नहीं चल सकता था वो दौड़ रहा है। सोराइटिक अर्थराइटिस बहुत बड़ी समस्या है अब, लेकिन अब ऐसे ये तो अभी अचानक अब जा रहे हो तो? जी हाँ स्वामी जी, आज जा रहा था। अब ये तो अचानक अभी खड़ा था तो मैंने पूछ लिया, नहीं तो पता भी नहीं लगता। कई बार ऐसे ही लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जो पूरा करते हैं देखो वो फिर पूरा पाते हैं। कुछ बीमारियों में वक्त लंबा लग जाता है, अभी इसको वक्त तो लगा। शुरू के 20 दिन तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा ही नहीं, मैं यहाँ से 20 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मेरे को लगा था यहाँ से भी, जैसे मैं बाहर एलोपैथी में तो मैं 8 साल से लुटता हुआ आया, लेकिन मेरे को लगा 20 दिन में यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब इम्प्रूवमेंट आनी चालू हुई तो उसके बाद तो फिर मैंने एक्सटेंड करता गया, मैंने कहा नहीं मेरे को पूरा ठीक होके जाना है। एक बार जब बड़ी बीमारी होती है तो रिवर्स गियर लगने में, बैक गियर लगने में थोड़ा वक्त तो लगता है। जब बीमारी ने भीतर तक पूरे तंत्र को जकड़ रखा है तो राहुल भाई थोड़ा तो 20 दिन इसको प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब बीमारी का वेग बहुत प्रबल होता है ना तो एक एक दिन बड़ा भारी होता है। अभी विरेचन वगैरह सब संपन्न कर दिया मैंने, फिर अब डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ है ही नहीं, अभी जा सकते हो। चलो अब इसको फॉलो करना ना, सुबह शाम ही करने से हो जाएगा। तो पहले आपको कभी फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ आके पहली बार मैंने देखा, पहली बार यहीं आके योगा किया। आपको भेजा किसने था यहाँ? यहाँ मेरे पापा और वाइफ सब लोग लगे रहते थे कि मतलब कैसे ठीक हो, क्योंकि वो ज्यादा परेशान होते थे मेरी हालत देख के। अपनों को तो पीड़ा होती है जब देखते हैं दर्द दुख दर्द में तड़पता है। बहुत आशीर्वाद। यहाँ पे कोरोना के टाइम पे मेल भेजा और अगले ही दिन रिप्लाई भी आ गया, क्योंकि उस समय काफी कम था। हाँ उस समय संख्या कम हो गई थी, यहाँ भी लोगों ने बहका दिया था, योग ग्राम निरामयम में कोरोना हो गया, स्वामी रामदेव को भी कोरोना हो गया, ऐसे अफवाह फैलाने वाला तंत्र भी बड़ा जबरदस्त है। चलो बेटा खुश स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निरामयम के सभी पर्सन। बहुत बहुत प्रणाम।